हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होगा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर करवाने वाले हैं जिस देश के लोगों को सुपर इंटेलिजेंट कहा जाता है। इस देश में आपको दुनिया का दूसरा सबसे पुराना मेट्रो ट्रेन देखने को मिलता है। इस कंट्री की बात जरा हटकर है। हम जब भी कुछ पीते हैं चीयर्स करना नहीं भूलते, लेकिन आपको इस देश में चीयर्स भूल के भी नहीं करना है। बाय द वे, दुनिया की सबसे अच्छी बियर आपको इसी देश में पीने को मिलती है। दोस्तों, यहाँ की लड़कियाँ हद से ज्यादा खूबसूरत मानी जाती है और इनके फिगर को दुनिया में बेस्ट कहा जाता है। साथ ही ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ आप अपने बच्चे का नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते हैं। दोस्तों, ये वो देश है जहाँ 96 नंबर का महत्व बहुत ज्यादा है। आपको बताएंगे कि भाई 96 नंबर क्यों मायने रखता है इनके लिए इतना ज्यादा। भाई, हम बात करने वाले हैं हंगरी देश के। तो अब बस बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि हंगरी देश नहीं देखा तो क्या देखा। दोस्तों, हंगरी देश यूरोप के एकदम मध्य में है, जिसके साथ नॉर्थ में स्लोवाकिया का बॉर्डर है, तो नॉर्थ ईस्ट में यूक्रेन, ईस्ट में है रोमेनिया, क्रोएशिया और स्लोवेनिया, और साउथ वेस्ट में तो सर्बिया का बॉर्डर मिलता है। आपको बता दें कि हंगरी में आप समुद्र के नजारे नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको है पानी से प्यार तो यहाँ आप ले सकते हैं लेक बैलेटन का मजा, जो कि सेंट्रल यूरोप का सबसे बड़ा लेक। कहा जाता है कि ये झील इतना बड़ा है कि आपको इसके किनारे में समुद्र जैसा ही फील होगा। यहाँ आपको वीकेंड पे बहुत सारे लोग सनबाथ का मजा लेते हुए दिख जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि हंगरी की जनसंख्या 1 करोड़ से भी कम है। यहाँ कुल पॉपुलेशन 2019 में थी 97 लाख। पॉपुलेशन के मामले में ये देश दुनिया के 94वें रैंक पे आता है। दोस्तों, आपको यहाँ पर किलोमीटर के हिसाब से औसतन 107 लोग दिख जाते हैं। साथ ही यहाँ की कुल पॉपुलेशन का 72% शहरों में जबकि 28% रूरल एरियाज में रहता है। हंगरी के लोगों के बीच में अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत गंभीरता है, तभी तो आपको इस देश में सबसे ज्यादा हीलिंग वाटर का इस्तेमाल करने वाले लोग मिल जाते हैं। जैसे हमारे देश में हम काढ़ा बनाकर पीते हैं, वैसे ही हंगरी देश में लोग पानी में एक से बढ़कर एक आयुर्वेदिक चीजें डालकर नहाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन दोस्तों ये बात सच है कि यहाँ पे दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे बेहतरीन इंडोर स्विमिंग पूल्स मिलते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि हंगरी देश के छोटे छोटे बच्चे ही यहाँ की ट्रेनें चलाते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक रेलवे लाइन है जिसका नाम बोल पाना बहुत मुश्किल है। 2 स्टेशनों के बीच वो रेलवे लाइन है, उन दोनों स्टेशनों का नाम भी बहुत मुश्किल है बोल पाना। पॉइंट ये है कि यहाँ पे 10 से 14 साल की उम्र के बच्चे ट्रेन चलाते आपको नजर आ जाएंगे। कमाल की बात तो ये है कि इस ट्रेन को न सिर्फ ये चलाते हैं, बल्कि आपको स्टेशन के टिकट काउंटर पे भी बच्चे ही नजर आएंगे। साथ ही दोस्तों, टीटी से लेकर स्टेशन मास्टर तक सब यहाँ बच्चे ही होते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये देश सबसे अलग है, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस देश में आपको वर्ल्ड फेमस बियर पीने को मिलती है? हालांकि आपको बियर को बिना चीयर्स किए ही पीना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि एक लड़ाई में हंगरी की सेना को हार का सामना करना पड़ा था, और जीतने वाली ऑस्ट्रिया की सेना ने इनके सामने बियर चीयर्स करके अपनी जीत सेलिब्रेट की थी, जिसके बाद से यहाँ पे बियर के ग्लास को चीयर्स करना खराब माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस देश में कभी जाओ तो इस बात को याद रखना, पाव उठा के चीयर्स मत कर देना। दोस्तों, जब भी हमारे देश में कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उसे अपनी मर्जी का नाम देते हैं, मोहन, सोहन, दीप, राम, श्याम, जो आपकी मर्जी हो। इस देश में आप अपने बच्चे का नाम भी खुद की मर्जी से नहीं रख सकते। यहाँ सरकार ने कुछ नाम डिसाइड किए हुए हैं, आपको उन्हीं में से एक चुनना होता है। लेकिन अगर आप कुछ दूसरा नाम रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। अब समझ में आया भारत क्यों अलग है? दोस्तों, रूबिक्स क्यूब गेम के बारे में तो आपको पता ही होगा, आप खेलते भी होंगे। आपको बता दूं कि इस गेम की शुरुआत हंगरी देश से हुई थी। यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही इनोवेटिव होते हैं। एक बात जो इस देश के लोगों के बारे में कही जाती है वो आपको चौंका देगी। क्या आप जानते हैं कि हंगरी के क्रिमिनल्स इतने शातिर होते हैं कि वो कई मौकों पे हथकड़ियां खोलकर पुलिस को चकमा देके भाग जाते हैं? आपको लग रहा होगा कि ये अपने देश में ऐसा करते होंगे, तो आपकी सोच गलत है, क्योंकि यहाँ के क्रिमिनल्स ने कई देशों में ऐसा किया, फरार हो गए और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि बूडापेस्ट इस देश की राजधानी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी शहर में ही बूडापेस्ट सिटी पार्क है, जहाँ पे एक स्टैच्यू है जिसका चेहरा आप नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ की खास बात यह है कि इस स्टैच्यू के हाथ में एक पेन है, और कहा जाता है कि जो भी इस पेन को टच कर लेता है वो बन जाता है वर्ल्ड फेमस राइटर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी लिखने का शौक है तो आप भी इस पेन के दर्शन जरूर कर लें। वैसे तो हंगरी को शांतिप्रिय देश कहा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के लोगों ने अब तक हर कैटेगरी में दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज नोबेल अवार्ड जीता है, लेकिन अब तक यहाँ के किसी इंसान द्वारा नोबेल पीस प्राइज जीतना बाकी है। अब तक हंगरी के कुल 13 लोगों को इस बड़े अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आपको बता दें कि बहुत सारे लोग हंगरी को वाइन कंट्री भी कहते हैं, और वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हंगरी में 22 अलग अलग वाइन रीजन्स और 8 प्रकार के ग्रेप्स वराइटीज पाई जाते हैं।
आपको बता दूं कि यहाँ की वाइन काफी पॉपुलर है। दोस्तों जैसे हमारे देश में तुलसी का पत्ता हर बीमारी में खाया जाता है, लोगों का कहना है कि आपको हर छोटी बड़ी बीमारी से बचाता है, वैसे ही पालेंका नाम की एक मेडिसिन है जो कि हंगरी के लोग लेते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये भी आपको हर बीमारी से बचा लेता है। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हंगरी देश के लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, इसका आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया की सबसे महानतम महिला चेस खिलाड़ी हंगरी देश से ही हैं। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है जुडिथ पॉलगर, जो कि सिर्फ 15 साल की उम्र में ही ग्रैंड मास्टर बन गई थी। इस गेम को लेकर यहाँ के लोगों में बहुत इंटरेस्ट है, और जब यहाँ के लोग थर्मल बाथ लेते हैं तो उस समय भी ये फ्लोटिंग बोट्स पे चेस खेल रहे होते हैं। आपको बता दें कि हंगरी की महिलाओं को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक कहा जाता है। यहाँ की महिलाएं अपनी बॉडी को फिट और परफेक्ट शेप में रखने के लिए दिन में कम से कम 6 से 7 किलोमीटर की वॉकिंग जरूर करती हैं। आपको सुबह और शाम में कई लड़कियां पार्क में एक्सरसाइज करते हुए नजर आ जाएंगे। सही है भाई, एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर के साथ साथ हमारा मन भी फ्रेश रहता है, और ये हमें कई तरह की बीमारियों से भी बचाता है। एक्सरसाइज को हमें अपनी डेली रूटीन में शामिल जरूर करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दूं कि हंगरी देश में 96 नंबर का अपना ही महत्व है, क्योंकि 1896 में इस देश की स्थापना हुई। उसके बाद 1896 में बुडापेस्ट मेट्रो का निर्माण हुआ, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे पुराना मेट्रो है। इसलिए यहाँ की मान्यता है कि कोई भी बिल्डिंग शहर की कैपिटल सिटी यानी कि बुडापेस्ट में 96 फीट से ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें हंगेरियन नेशनल एंथम भी 96 सेकंड के अंदर ही खत्म कर दिया जाता है। भाई श्रीलंका वालों कुछ सीखो इनसे यार। आपको जानकर हैरानी होगी कि हंगरी देश में काउबॉयज के नाम से भी लोगों को नौकरी मिलती है। ये बात सुनकर आपको लगता होगा कि इस काम में गाय का ख्याल रखना होता होगा, पर ऐसी बात नहीं है। दोस्तों यहाँ काउबॉयज उन्हें कहा जाता है जो कि घोड़ों के साथ एक से एक खतरनाक स्किल्स करके यहाँ टूरिस्ट का मनोरंजन करते हैं। दोस्तों हंगरी को यूरोप के ओल्डेस्ट देशों में से एक कहा जाता है। ये AD 896 में ही अस्तित्व में आ गया था, और ये फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड से भी ज्यादा पुराना देश है। आपको बता दूं कि हंगरी देश की राजधानी बुडापेस्ट का नाम पेस्ट बूढ़ा पड़ने वाला था, लेकिन आखिरी समय में इसे बदल के बुडापेस्ट कर दिया गया। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बुडापेस्ट 3 शहरों के मिलने के बाद बना है, और वो 3 शहर हैं बुडापेस्ट और ओबुडा। बुडापेस्ट के बारे में कहा जाता है कि ये शहर आजकल बॉलीवुड वालों की फेवरेट सिटी बन गया है। यहाँ पर कई सारी बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। याद है आपको राब्ता फिल्म? जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की पूरी शूटिंग बुडापेस्ट में ही हुई थी। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के दिन भी आप हंगरी देश के पहले किंग के हाथों को देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किंग सेंट स्टीफन का दाहिना हाथ आज भी सेंट स्टीफन बसिलिका में संभाल कर रखा गया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं इसे देखने के लिए। हंगरी के लोगों को खाने में ज्यादा मसाला पसंद नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि ये देश हर साल 1000 टन मसाले का उत्पादन करता है, जिसे वो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। दोस्तों कोच वर्ड तो हम रोज ही सुनते हैं, ट्रेन का कोच, स्पोर्ट्स का कोच, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इस वर्ड की शुरुआत भी हंगरी देश में ही हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 16 सेंचुरी में इस शब्द की शुरुआत हुई थी यहाँ पे। दोस्तों हॉलीवुड के कई बड़े प्रोडक्शन हाउस जैसे कि पैरामाउंट पिक्चर्स या फॉक्स या फिर कैसाब्लांका, सबकी शुरुआत हंगरी देश से ही हुई थी। तभी तो कहा जाता है कि अगर हंगरी नहीं होता तो आधा हॉलीवुड नहीं होता। हंगरी देश के बारे में कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी के समय यहाँ पे बहुत सारे ड्रैकुलाज रहते थे। तभी तो आज भी यहाँ कई ऐसी जगहें हैं जो कि सालों से खंडहर हैं, और यहाँ कोई रहता नहीं है और न ही यहाँ कोई जाने की हिम्मत करता है। वैसे क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे मुश्किल भाषा कौन सी है सीखने के लिए? सोचिए, थोड़ा सा गेस कीजिए। चलिए आपको बता देते हैं, हंगेरियन को दुनिया की सबसे मुश्किल भाषाओं में से एक कहा जाता है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस देश के 70% लोग खुद ही इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं। दोस्तों हंगरी देश टूरिस्ट के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन माना जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पे हर साल 20 मिलियन लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, जो कि देश की इकोनॉमी को ताकतवर बनाते हैं। हंगरी देश में वाटर पोलो गेम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। आपको बता दूं कि हंगरीज मेंस वाटर पोलो टीम को वर्ल्ड्स बेस्ट टीम भी कहा जाता है, क्योंकि इस गेम में इस देश ने अब तक 15 ओलंपिक मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 9 गोल्ड मेडल्स हैं। दोस्तों हंगरी देश में भी अगर आपको किसी लड़की को शादी के लिए या गर्लफ्रेंड बनाने के लिए प्रपोज करना है तो आपको लाल गुलाब का फूल देना पड़ता है, लड़की से पूछना पड़ता है, और अगर वो हाँ बोल देती है तो आपको वो लाल गुलाब अपने साथ ही रखना होता है। दोस्तों आपको बता दूं कि आप जब भी हंगरी जाएं तो यहाँ का वर्ल्ड पॉपुलर डिश है एक, उसको जरूर ट्राई करें, जिसका नाम है गुलियास। यहाँ कहा जाता है कि ये हंगरी का नेशनल फूड है, और यही है यहाँ के लोगों के फिटनेस का राज। ये मीट से बनाया जाता है और साथ ही इसमें डाले जाते हैं बहुत सारे वेजिटेबल्स भी। हंगेरियन फूड के हिसाब से ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है, लेकिन चूंकि इस देश में ठंड बहुत पड़ती है तो ये खाना खाकर यहाँ के लोग गर्मी फील करते हैं। दोस्तों दुनिया का सबसे बढ़िया ट्रांसपोर्ट सिस्टम हंगरी देश का ही माना जाता है। यहाँ आपको किसी भी जगह क्यों ना जाना हो, आप बहुत ही आराम से पहुंच सकते हैं।
आपको मेट्रो की सुविधा तो कैपिटल सिटी में मिलती है, साथ ही दोस्तों आप बस से एक शहर से दूसरे शहर के लिए निकल सकते हैं। यहाँ वर्ल्ड क्लास रोड्स हैं, साथ ही रोड के इर्द गिर्द के नजारे भी कमाल के लगते हैं। कहा जाता है कि जो भी टूरिस्ट एक बार हंगरी विजिट करता है वो लाइफ टाइम के लिए एक्सपीरियंसेस और साथ में यादें लेकर वापस लौटता है। दोस्तों ये था हंगरी देश, कैसा लगा बताएं हमें कमेंट में। अगली वीडियो में आप कौन सा टॉपिक देखना पसंद करोगे ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।